कल दिवाली है लेकिन जो दुकानदार हैं फुटकर विक्रेता हो या फिर थोक विक्रेता, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पाया था, इसको लेकर उन लोगों में उआपोह की स्थिति बनी थी। लेकिन लगातार वो सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। शहरी क्षेत्र के जितने भी दुकानदार हैं या फिर सदर अनुमंडल क्षेत्र के जितने दुकानदार हैं सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। आज उन्हें DM साहब का निर्देश मिला है कि जो शपथ पत्र हैं वो शपथ पत्र भरकर थाना को जमा किया जाएगा। साथ ही जो पुराने लाइसेंसधारी हैं उन्हें थाना में सिर्फ अनुमति लेनी होगी कि वो उसी पते पर पटाखे बेचेंगे और वो कागजात जो हैं, जो शपथ पत्र हैं, वो थाने में जमा करने होंगे। साथ ही जो जिनका लाइसेंस नहीं है तो उस लाइसेंस के लिए अभी कुछ कागजी प्रक्रिया है, एफिडेविट की बात है, कुछ कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद जो है लाइसेंस जो है निर्गत किया जाएगा। हो जाएगा, आज भर का प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है। लोग चार दिन से दौड़ रहे हैं, चार दिन से हम लोग परेशान हैं। DM ऑफिस भी गए, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। तब कल जा कर के मनीष सर जो हैं डिप्टी कलेक्टर हैं वो हेल्प किए, वो थोड़ा काम करवा करके दिए, आदेश वहाँ से आया, तब यहाँ पे अब प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ रहा है। कई दिनों से जो पटाखे जो विक्रेता थे वो काफ़ी परेशान थे कि किस तरह से दिवाली में पटाखे बेचने। हालांकि इस बार जो गाइडलाइन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे, जो हरित पटाखे हैं, उससे बेचने के आदेश मिले हैं। 2018 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि ग्रीन पटाखे ही की ही बिक्री होगी। इसको लेकर अब बिहार में भी NGT ने आदेश दिया है कि ग्रीन पटाखे ही दीपावली में छोड़े जाएंगे। वो भी समय सीमा निर्धारित की गई है कि शाम के रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे लोग छोड़ेंगे, और जहाँ भी पटाखे बिकेंगे वो फिर गली या सकरा इलाका नहीं होगा, किसी खाली जगह पे, किसी खाली स्पेस पर पटाखे बेचेंगे। साथ ही साथ जो गाइडलाइन जारी किया गया उस गाइडलाइन का पालन उन्हें करना होगा, और गाइडलाइन पालन नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो पटाखे छोड़ने वाले हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि 125 डेसिबल का जो है पटाखा रहना चाहिए, कि उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं करे। छोड़ने वालों के लिए, देखिए छोड़ने वालों के लिए तो सबसे पहली बात है कि अगर आप हम कंट्रोल कर लेते हैं कि हरित पटाखे ही बिके तो छोड़ने वाले पे तो कुछ है नहीं, क्योंकि कोई भी आमजन तो कहाँ से लेगा, आमजन तो दुकान से ही लेगा ना पटाखा। और जो दूसरा पहलू है टाइमिंग का, तो निश्चित रूप से उनको टाइमिंग का फॉलो करना होगा। और थाना को विशेष रूप से, अगर आप लोगों ने उस लेटर को देखा होगा तो विशेष रूप से थाना को चिन्हित करते हुए उन्हें ये बताया गया है कि उनकी विशेष कर खुद की जिम्मेदारी होगी, थाना की स्पेशल जिम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर कराएंगे कि टाइमिंग फॉलो हो, जो भी लाइसेंसधारी हो वो सिर्फ हरित पटाखा बेचें और जो भी नियम है, जो भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड नियम है उसका वो अनुपालन करें। कम पटाखे जो हैं कम आवाज़ करें, ऐसे पटाखे के प्रयोग करने हैं। साथ ही जो मतलब ज़्यादा संख्या में छोड़ेंगे वहाँ पर वो कंबल या फिर फायर एक्सटिंग्विशर ये सब रखेंगे आसपास में, ताकि कोई भी समस्या समय उत्पन्न ना हो और सही तरीके से दिवाली भी समाप्त हो जाए। बहरहाल जिला प्रशासन के निर्देशों का, सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशों का कितना पालन होता है यह देखना दिलचस्प होगा। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।